ओके हेलो गाइस, यू आर वाचिंग आर्यन मन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स दूंगा। तो देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, हमने देखा एजे स्टाइल्स एंड कारमेला हमने स्मैकडाउन के प्रीवियस एपिसोड में देखने को नहीं मिले। तो गाइस, इस तरह की अपडेट्स आ रही हैं कि कारमेला और एजे स्टाइल्स गए हुए मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट ग्राउंड में, जहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि WWE का मेन इवेंट होने वाला है, यानी कि एक पेपर व्यू टाइप होने वाला है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए वो वहाँ पर WWE की प्रमोट करने गए हैं। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, वो जुड़ी है जेम्स एल्सवर्थ से। तो गाइज, हमने देखा पेज ने अनाउंस किया उनका एक सिंगल मैच जो होगा उनका आस्का के साथ। तो गाइज, अब अपडेट इस तरह की आ रही है कि जेम्स एल्सवर्थ हमें वो मैच जीते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि गाइज वो एक तरह के फनी कैरेक्टर यानी हील सुपरस्टार हैं, तो वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं या किसी और की इंटरप्शन हमें देखने को मिल सकती है इस मैच में। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, वो जुड़ी है सेथ रॉलिंस से। तो गाइस, हमने देखा सेथ रॉलिंस का मैच हुआ था डॉल्फ ज़िगलर के साथ फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, लेकिन गाइस उसमें इंटरप्शन हमें देखने को मिली ड्रू मैकइंटायर की। तो गाइस, इस तरह की अपडेट्स आ रही है कि शायद WWE अगली रात के एपिसोड में हमने सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच एक सिंगल मैच या फिर टैग टीम मैच रोमन रेंस सेथ रॉलिंस वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर एंड ड्रू मैकइंटायर के बीच दिखा सकती है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, वो जुड़ी है फिन बैलर से। तो गाइस, हमने पिछली रात के एपिसोड में फिन बैलर वर्सेस बैरन कॉर्बिन के बीच एक हल्का सा मतलब फ्यूड सी देखी थी हमें, तो शायद WWE इस फ्यूड को और आगे बढ़ा सकती है। इस तरह की अपडेट्स आ रही हैं कि राह के अगले एपिसोड में हमें इन दोनों सुपरस्टार के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिल सकता है। तो बस गाइज, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाकर दिखा सकूँ। थैंक यू।